बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। औरंगाबाद पहुंचे पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री व छपड़ा के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने शहर के नगर भवन में शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पुष्पहार और चांदी का मुकुट पहनाकर तथा तलवार देकर रूड़ी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर रूड़ी ने अपने संबोधन में बिहार के आवाम का जमकर मजाक उड़ाया और उन्हें जागरूक भी किया। कहा कि आज बिहार के लोग देश के हर कोने में जाकर मजदूरी करते हैं। आप जहां भी जाएंगे वहां काम करते बिहारी ही मिलेंगे, चाहे होटल हो या बड़ी इमारत, सबके नीचे बिहारी ही मिलेंगे। इसे लेकर उन्होंने स्लाइड शो करते हुए वीडियो भी दिखाया, जिसमें बिहारियों को मजदूरी करते दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर देश और उस राज्य के उत्थान में अपना योगदान देते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के लोग बिहार आकर क्या कभी खेतों में या होटलों में काम कर हमारे राज्य का उत्थान में लगे दिख जाते हैं क्या? सवाल यह है कि आज जदयू से गठबंधन टूटने और रिश्तों में दरार आने पर ही बिहारियों के प्रति उनका दर्द क्यों छलका? सत्ता में काबिज होने के वक्त उन्हें यह दर्द क्यों महसूस नहीं हो रहा था? दरअसल उन्होंने औरंगाबाद में आवाम को जगाने के बहाने बिहार सरकार के विरोध में जनता का मूड बनाने का पॉलिटिकल कार्ड खेलने का ही काम किया है। इसे लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर बिहार की इस दशा का गुनहगार कौन है, पहले तो उनकी पार्टी आज वाली सरकार के साथ में ही थी। इस पर नेताजी जवाब देने से कतराते दिखे और उल्टे ही मीडिया से सवाल कर दिया कि वो 7 साल पर क्यों अटके हैं, बात 70 साल की जाए। सूरत के खेतों में बिहार के लोग काम करते हैं, पूना के खेतों में बिहार के लोग काम करते हैं। जरा ये बताइए, आप लोग बिहारी हैं तो आपके खेत में काम करने वाला सूरत से कितना आदमी आता है? आपके खेत में काम करने वाला पंजाब से कितने लोग आता है? आपके खेत में काम करने वाला चेन्नई से कितना लोग आता है? आपके पानी का लाइन जब खराब होता है आपके घर में तो काम करने वाला कितना आदमी लुधियाना से आता है? सवाल तो कभी ना कभी पूछना होगा कि जो पूरा भारत चला रहा है वो बिहार नहीं चला पा रहा है, इसका सवाल तो आप और जो सामान खरीदता है वो गुलाम होता है, जो सामान बेचता है वो राजा होता है। पूरा भारत सामान बना के आपके गोदामों में, चाहे साड़ी हो, चप्पल हो, जूता हो, कपड़े हो, बैग हो, टीका हो, पूरे गोदाम में ला के बिहार के लोगों को बेचता है। बिहार के गुलाम है ही, लेकिन आप लोगों को पता कहां चल रहा है कि आप गुलाम है और देश आजाद है। बनाने वाले बिहार जाके कहीं और देश के बनाते हैं, वही सामान आपके गोदाम में आता है और आप उसको आप खरीदते हैं। तो जहां सबसे ज्यादा गोदाम होगा वो समझिए कि वही गुलामी है। अंग्रेजों ने भी यही किया और आज भी आप उसी स्थिति में है। आप गुलाम है, आप नेताओं के गुलाम है, आप परिस्थितियों के, आर्थिक विकास के, सब चीज के गुलाम है। आपने भाई अगर आपको लगता है मैं बात कर रहा हूं, चुनौती दे दीजिए। गुनाहगार कौन? हम सब, आप भी उसमें सम्मिलित। धन्यवाद। लोगों ने बिहार पिछड़ा क्यों? आखिर सत्ता में भाजपा भी रही है भागीदार, तो इन 7 सालों में जब भाजपा यहाँ राज की है उस समय ये बात क्यों नहीं उभर कर सामने आई है? जब गठबंधन से हटने के बाद ये बात क्यों सामने आ रही है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल 7 साल का नहीं है, ये सवाल 70 साल का है और उस सवाल को लेके मैं आया हूँ और ये सभी राजनेताओं से है और मुझसे भी अपने आप में। क्या विजन आपका है? विजन आपने सुना है, ये सब नहीं, तो सवाल पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन तो आपने देना। एक सवाल ये है, अभी नीतीश कुमार जी देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।